नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान के अलवर नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता और उसके बेटे कुलदीप गुप्ता को एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए 80,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जयपुर एसीबी को परिवादी मोहन लाल ने शिकायत की थी। एसीबी ने सत्यापन कराने के बाद सोमवार को परिवादी से रिश्वत लेते हुए रिश्वत की राशि 80,000 के साथ दबोच लिया है। एसीबी एएसपी बजरंग सिंह ने बताया कि रिश्वत की राशि 1,00,000 रुपए लेकर जब पहुंचा, तब सभापति ने वह राशि अपने बेटे कुलदीप गुप्ता को देने को कहा। रिश्वत राशि लेते ही एसीबी की टीम ने दबोच लिया। वहीं एसीबी टीम में एएसपी बजरंग सिंह जयपुर के साथ डीएसपी महेंद्र मीणा भी मौजूद रहे। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद कांग्रेस में गीले शिकवे दूर होते दिख रहे हैं। पायलट और गहलोत गुट ने फेरबदल को सही करार दिया है, मगर प्रदेश की विपक्षी पार्टी भाजपा में अब भी एका नजर नहीं आ रहा है। बड़े नेता अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंगलवार से मेवाड़ अपनी यात्रा की शुरू करने जा रही हैं। इसका आधिकारिक कार्यक्रम भी जारी हो चुका है। मेवाड़ के सांवलिया सेठ के दर्शन से यात्रा शुरू होगी। राजस्थान में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद मुख्यमंत्री के सलाहकारों की नियुक्ति पर सवाल उठाया है। इसके साथ ही राठौड़ ने संसदीय सचिवों की नियुक्ति से पहले ही संसदीय सचिव बनाने का विरोध कर दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम के सलाहकार बने विधायक भी अवैधानिक पद पर हैं और संसदीय सचिव का पद भी लाभ का पद है, लिहाजा उन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र को इस मामले में दखल देकर न्यायोचित काम करने के निर्देश सरकार को देने के लिए आग्रह किया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2021 की फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। मॉडल आंसर की पर आपत्तियों के बाद कुल 6 प्रश्न डिलीट किए गए हैं। वहीं पूर्व में 150 प्रश्न 200 नंबर के थे, अब 144 प्रश्न 200 नंबर के माने गए हैं। संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि आयोग द्वारा आरएएस प्री परीक्षा 2021 का आयोजन 27 अक्टूबर को किया गया। इसके बाद 3 नवंबर को मॉडल आंसर की जारी की गई। इसके बाद अभ्यर्थियों से 8 से 10 नवंबर तक मॉडल उत्तर कुंजी पर ऑनलाइन आपत्तियां मांगी गई। चौमू शहर में सोमवार को परिवहन विभाग ने बिना टैक्स व बिना परमिट दौड़ रहे अवैध वाहनों के खिलाफ अभियान चलाते हुए सोमवार को कार्रवाई की गई। आरटीओ ने 13 वाहनों को सीज किया। 12 वाहनों के खिलाफ चालान करने की कार्रवाई की गई। जिला परिवहन अधिकारी अनूप सहरिया ने बताया कि बिना परमिट और बिना टैक्स जमा कराए ही बस व जीप का संचालन हो रहा था, जिनके खिलाफ सोमवार को अभियान चलाते हुए कार्रवाई की गई। इससे करीब 3,00,000 रुपए का राजस्व परिवहन विभाग को मिलेगा। राजस्थान में मंत्रिमंडल पुनर्गठन और रीशफलिंग के बाद अब प्रदेश कांग्रेस संगठन में विस्तार की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि दिसंबर में सरकार के 3 साल पूरे होने से पहले अधिकांश नियुक्तियां कर दी जाएंगी। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा 2 दिन दिल्ली दौरे पर रहेंगे। मंत्री पद छोड़ने के बाद वे पहली बार दिल्ली जा रहे हैं। जिला और ब्लॉक अध्यक्ष के बाद उनकी कार्यकारिणी भी बनाई जाएगी। इन नियुक्तियों के जरिए हजारों कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं को पद और सम्मान दिया जाएगा, ताकि 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को सक्रिय किया जा सके। सूत्र बताते हैं कि पूर्व डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ रहे सचिन पायलट अपने खेमे के नेताओं को पीसीसी और जिलों की कार्यकारिणी में भी एडजस्ट करना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस आला कमान पायलट से भी चर्चा करेगा। शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रीट के 11-1 में बीएड बीएसटीसी को लेकर उपजे विवाद से जुड़े मामले की अहम सुनवाई सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में अधूरी रही। मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायाधीश सुदेश बंसल की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई मंगलवार को फिर होगी। करीब 9,00,000 युवाओं से जुड़े इस महत्वपूर्ण मसले पर सभी की निगाह लगी है। इस विवाद का निपटारा नहीं होने के कारण 11-1 का नतीजा अभी तक घोषित नहीं किया जा सका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल फेरबदल से बीकानेर का दबदबा बढ़ गया है। 18 साल बाद डॉक्टर बीडी कल्ला को फिर से शिक्षा जैसे बड़े विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, तो राज्य मंत्री होने के बाद भी श्री कोलायत विधायक भंवर सिंह भाटी को ऊर्जा मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। इससे पहले भी ये विभाग बीकानेर के डॉक्टर कल्ला के पास था। उधर खाजूवाला विधायक और पहली बार कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल को उम्मीद से कमजोर डिपार्टमेंट मिला है।
प्रदेश के सभी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 13 से 24 दिसंबर तक होंगी। परीक्षाओं का आयोजन जिला समान प्रश्न पत्र योजना के माध्यम से जिला स्तर पर किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। निदेशालय की ओर से दिए गए निर्देशों के मुताबिक 6 से 8वीं तक की परीक्षाओं के पेपर स्कूल स्तर पर तैयार करवाए जाएंगे। वहीं विभाग 1 से 5वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं लेगा। इसके स्थान पर विद्यार्थियों का सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE के तहत आकलन किया जाएगा। बीकानेर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लिमिटेड की ओर से मंगलवार को विद्युत उपकरणों का रखरखाव किया जाएगा। इस दौरान सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक कादरी कॉलोनी, चूना भट्टा क्षेत्र, गोपेश्वर महामंदिर क्षेत्र, बद्री भैरू मंदिर क्षेत्र, रामदेव इंडस्ट्री क्षेत्र, शिव मंदिर क्षेत्र, पंचशती सर्किल क्षेत्र एवं सादुलगंज क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। कैटरीना कैफ विक्की कौशल की शादी के लिए जोधपुर संभाग के पाली जिले में सोजत से मुफ्त में मेहंदी भेजी जाएगी। सोजत वासियों की तरफ से कैटरीना को यह गिफ्ट दिया जाएगा। सोजत के मेहंदी कारोबारी नेचुरल हर्बल के नितेश अग्रवाल ने बताया कि चाहे 50,000 खर्च हो या 1,00,000, मेहंदी के रुपए नहीं लिए जाएंगे। उन्होंने इवेंट कंपनी वालों को इतना जरूर कहा है कि वे कैटरीना को यह जरूर बता दें कि उनकी शादी के लिए सोजत वासियों ने विशेष रूप से मेहंदी तैयार कर गिफ्ट भेजा है। उत्तर पश्चिमी रेलवे बीकानेर मंडल के DRM रहे अनिल दुबे सोमवार को बीकानेर आए तो जिला उद्योग संघ ने उनका स्वागत किया। दुबे वर्तमान में पूर्वी रेलवे कोलकाता में प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर पद पर कार्यरत है। जिला उद्योग संघ की ओर से अध्यक्ष DP पचीसिया ने अनिल दुबे का दुपट्टा उड़ाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा ने सोमवार को बाड़मेर मुनाबाव रेलखंड का निरीक्षण किया। महाप्रबंधक शर्मा ने इस दौरान गडरा रोड रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया तथा शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित करके श्रद्धांजलि व्यक्त की। उन्होंने वर्ष 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान शहीद हुए 18 रेल कर्मचारियों के परिजनों का शॉल पहनाकर एवं माल्यार्पण कर सम्मान किया। इस अवसर पर जोधपुर रेल मंडल प्रबंधक गीतिका पांडे तथा जोधपुर रेल मंडल के सभी शाखा अधिकारी उपस्थित रहे। जोधपुर कमिश्नरेट के राजीव गांधी थाना क्षेत्र में गत 12 नवंबर को हुई ATM लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। DCP पश्चिम दिगंत आनंद ने बताया कि आरोपियों ने रैकी करने के बाद लूटने के लिए बेरू गांव के ATM को चुना था। इस गैंग का यह पहली बार ATM तोड़ने का मामला था। ऐसे में गैंग के सदस्यों ने YouTube से ATM तोड़ना सीखा। इसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया। उनसे 7,71,000 रुपए बरामद हुए हैं। इसके अलावा 4 और आरोपी हैं, जिनमें 3 की पहचान कर ली गई है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें महाराष्ट्र के पुणे गई हुई हैं। मुख्य पोस्ट ऑफिस जोधपुर फिलाटेलिक ब्यूरो में संत शिरोमणि संस्कृति शासनाचार्य विद्यासागर महाराज के 50वें आचार्य पदारोहण के अवसर पर जैन समाज की ओर से कवर एवं कैंसिलेशन सील जारी की गई। पूरे देश भर में संस्कृति शासनाचार्य स्वर्ण महोत्सव 2021-22 मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य पर देश भर में जैन समाज में स्थानीय पोस्ट ऑफिस से निवेदन कर महापुरुष की स्मृति व संस्कृति शासनाचार्य महोत्सव की स्मृति में स्पेशल कवर कैंसिलेशन सील जोधपुर फिलाटेलिक ब्यूरो में विशेष आवरण जारी किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।